सब्सक्राइब कीजिए सरल शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जीत आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखते रहे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करते हैं, तो आप वो अकाउंट फिर से कभी रीएक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले फेसबुक ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू पेज ओपन होगा, और ओपन होने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का एक ऑप्शन, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन होगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर आपको आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डीएक्टिवेशन एंड डिलीटेशन का एक ऑप्शन आ गया है, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि डीएक्टिव अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अगर आप डीएक्टिव अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका अकाउंट आप फिर से उसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि उसको रीएक्टिव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहां पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देते हैं, तो आपका अकाउंट कभी भी रीएक्टिव नहीं होगा। तो अगर हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पर डीएक्टिव अकाउंट पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई भी एक रीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट डिलीट अकाउंट यहाँ पर आ गया है, और आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अगर आपका ये अकाउंट में कोई अच्छा, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट फ़ोटो या कोई इन्फॉर्मेशन आपको डाउनलोड करके रखना है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड इन्फो पर क्लिक करके आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन इस अकाउंट के आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, तो आप यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड टाइप करना होगा। तो मैं भी यहाँ पर पासवर्ड टाइप करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, और आपको यहाँ पर सिंपली डिलीट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको ये अकाउंट 30 डेज के अंदर रीएक्टिव करना चाहते हैं, तो आप 30 डेज के अंदर ही आपको ये अकाउंट रीएक्टिव करना होगा। लेकिन अगर आपने 30 डेज के अंदर रीएक्टिव नहीं किया इस अकाउंट को, तो ये अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, वो आप कभी भी रीएक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।